Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th GE Science, we are on the revision of chapter 8. In the previous lecture, we complete the revision of keywords. Today, we start the revision with part A, B, C. In the part A, we are filling the blanks. First one is International Day for Biological Diversity is observed on May 22. A group of organisms capable of interbreeding under natural condition is known as species. क्या कहा जाता है? Species. Dash species are the species that are found only in a particular area. Endemic species जो हैं वो एक particular area में ही पाई जाती हैं. Dash is important reserve for Project Tiger. Sundarban Biosphere Reserve जो है वो important reserve है Project Tiger के लिए, for Project Tiger. Sanctuary in Odisha is breeding ground for a giant olive ridley turtle which migrate here from the Pacific Ocean. घेरमाथा टर्टल सेंचुरी जो है वो एक टर्टल की को रिजर्व करने के लिए, उसको वहाँ सेफ रखने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको उड़ीसा के अंदर. नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग्स पार्ट बी. राइनोकोर्स जो है मैच विथ काजीरंगा नेशनल पार्क. जायंट पांडा एंड डिजनरेटेड फ्लेमिंगोज माइग्रेशन के साथ आएगा. चीता with a part vulnerable passenger pigeon is extinct. Okay, these are the match of following. Now we have part C. Protection and preservation of wildlife and natural resources is known as conservation. कैसे जान जाते हैं? Conservation से. The cheetahs of vulnerable species because it is endangered soon. क्योंकि ये जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं. Plants found in a particular area are referred to as flora. किसी particular area में जो plants पाए जाते हैं उनको flora बोला जाता है. Which one of the following is not the outcome of deforestation in area? Decreased soil erosion. Soil erosion का कम होना, भूमि कटाव कम होना क्या है? वो outcome नहीं है deforestation की. A region in which conservation of biodiversity in its natural habitat is practiced is known as national park. उसको क्या, किसके नाम से जानते हैं? National park के नाम से जानते हैं. Now part D. Question 1. How have urbanization and industrialization lead to a large scale deforestation? Urbanization, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, industrialization के कारण बड़े स्केल पर वनों का कटाव हुआ है. क्यों?
Large areas of porous forest have been cleared to make way for urbanization and industrialization. बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट का खाली किया गया है शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए. दस अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लीड टू ए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इसको बढ़ावा मिला है. द न्यू स्पीसीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट में नई स्पीसीज एक्स इंट्रोड्यूस की गई. हाउ इज़ इट लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीसीज ऑफ द न्यू एरिया. द न्यू स्पीसीज में प्रे ऑन कम्प्लीट द रिसोर्सिस विद द एक्सटिंक्टिंग स्पीसीज एग्जिस्टिंग स्पीसीज. दस इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्पीसीज जनरली हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम ऑफ ए फॉरेस्ट. इसलिए जो नई स्पीसीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो वो इकोसिस्टम के लिए हानिकारक होती है. वट इज़ ए बायोस्फीयर रिजर्व. नेम टू बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन गिवन बाय यूनेस्को अंडर इट्स प्रोग्राम ऑन मैन एंड बायोस्फीयर एंड द मैन एंड बायो MAB. बायोस्फीयर जो है एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन जगह होती है यूनेस्को के द्वारा. वो निर्धारित करता है जो मैन और बायोस्फीयर के बीच में जो है संबंध बताती है. टू एग्जांपल्स, टू एग्जांपल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर इन इंडिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड द सेकेंड वन इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेड डाटा बुक हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी. रेड डाटा बुक प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हुज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट. जिसका जो रहना जो है उसकी स्पीसीज जो है वो खतरे में है. दस इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्पीसीज एट रिस्क. इसे ये पता लगता है कि ये स्पीसीज ये प्रजाति खतरे में है. टाइमली कोरेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट सच स्पीसीज. उसको बचाने के लिए टाइमली समय के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं. आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.